दोस्तों स्मार्टफोन की जो मार्केट है उसके अंदर मशीन वाला बहुत ही जबरदस्त तहलका, अगले 2 या 3 महीने तक एक के बाद एक फोन आने वाला है, एक से बढ़कर एक फोन आने वाले हैं और जो तगड़ा मुकाबला होने वाला है टॉप 1 और टॉप 2 ब्रांड्स के अंदर। मतलब पिछले साल ही आपको मालूम है सैमसंग की जो नंबर 1 की जो कुर्सी थी वो छीन ली थी शाओमी ने और रेडमी को उसने बना दिया है शाओमी ने अपना एक सब ब्रांड। तो रेडमी के अब कुछ फ़ोन आने वाले हैं, रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो, वहीं पर सैमसंग के कुछ फ़ोन आने वाले हैं M10, M20 एंड 30। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है अगले 2 महीनों के अंदर इन स्मार्टफोन्स के बीच में और मेरी रहेगी पल पल इन पर नज़र और मैं आपको देता रहूँगा हर एक फ़ोन की अपडेट। आज मैं जिस फ़ोन की बात करने वाला हूँ वो है Redmi का Note 7। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में उसकी एक एक स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बताऊंगा, कितने वेरिएंट उसके आने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्योंकि आपको पूरी इसके बारे में डिटेल मिलने वाली है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई फ़ोन खरीदने का तो हो सकता है ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर दे। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा डिज़ाइन की फ़ोन के। Redmi ने अपने आप को बदल दिया है, यानी कि बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन था उसको अब वो नहीं लेके आ रहे हैं। दोनों तरफ आपको ग्लास का डिज़ाइन मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। साथ में आपको मिलेगी 6.3 इंचेस की नॉच वाला डिस्प्ले और ये नॉच Redmi का वो पुराना जो नॉच लोगों को पसंद नहीं था वो नहीं है, अब वाटर ड्रॉप ये नॉच लेके आ गए हैं, जैसा कि Vivo V11 Pro के अंदर जो नॉच था या फिर Realme U1 के अंदर जो लॉन्च था जो काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी कम जगह ये लेता है, उस तरीके का नॉच ये लेके आ गए हैं। साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन, या कि कमाल की आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाएगी। तो Redmi ने आपके लिए ठान लिया है कि जो 10,000 के आसपास की रेंज है उसके अंदर ये कुछ कमाल धमाल करने वाले हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे दोस्तों, एक 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ, एक 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, साथ ही एक वेरिएंट आपको मिलेगा 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। जहां तक प्रोसेसर की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। अगर आप ये सोच रहे हैं इसके अंदर कुछ 675 प्रोसेसर क्यों नहीं मिला, तो वो Redmi Note 7 Pro के अंदर कन्फर्म हो गया है कि वो प्रोसेसर जो है 675 जो प्रोसेसर है Redmi Note 7 Pro के अंदर आएगा। तो इसके अंदर आपको मिलेगा साथ ही 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि नॉर्मली जो आउटपुट आपको देगा 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है कि 48 मेगापिक्सल तक के आप पिक्चर्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको 13 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, मतलब सेल्फी आप 13 मेगापिक्सल के कैमरे से ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी दमदार होगी। यानी कि इस रेंज के अंदर, रेंज में आपको प्राइस अभी बताने वाला हूं दोस्तों, आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी का मिलना और 48 मेगापिक्सल का जो है आपको रियर कैमरे का मिलना, और वो भी ड्यूल कैमरा है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको अलग से इन डेप्थ सेंसर वाला आपको कैमरा मिलेगा। तो कमाल की इसकी पिक्चर क्वालिटी होने वाली है, कमाल ही इसका मतलब नॉच वाला डिस्प्ले होने वाला है आपके Redmi का, कमाल की ग्लास में दोनों तरफ आपको अच्छी आपको लुक मिलने वाली है, Gorilla Glass 5 का आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, साथ में आपको मिलेगा USB-C पोर्ट फास्ट चार्जिंग के साथ, और इसके अंदर आपको Qualcomm क्विक चार्ज 4 का भी सपोर्ट मिलने वाला है। हालांकि इसके लिए आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, इसके अंदर जो चार्जर आने वाला है वो 10 वॉट का चार्जर आने वाला है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। 4000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है, तो USB-C 4000 mAh की बैटरी, 660 का प्रोसेसर, कमाल का कैमरा, कमाल की लुक। तो Redmi ने ठान लिया है कि भैया नंबर 1 पे अगर मैं आ गया हूँ तो उससे हिलने वाला नहीं हूँ, मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है। अभी तक जो निकल के आया है वो है 3 GB और 32 GB वाले वेरियंट के लिए 10,990 रुपये का आपको प्राइस लगेगा, और 4 GB 64 GB के लिए आपको 12,990 का प्राइस मिलेगा, और 4 GB 64 GB वेरियंटी वाले के लिए आपको 14,990 मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो एक लीक मेरे पास निकल के आ रहा है वो ये है कि हो सकता है सैमसंग को कड़ी टक्कर देने के लिए जो वेरिएंट है वो 9,990 से स्टार्ट हो जाए, यानी कि जब पहली फ्लैश से लगे तो उसके प्राइस पे 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाए, और 10,000 रुपये से नीचे के प्राइस पे अगर ये फ़ोन आ गया तो ऑनेस्टली दोस्तों बड़ा ही कमाल धमाल हो जाएगा। फेब के सेकेंड वीक के अंदर ये लॉन्च होने की उम्मीद है दोस्तों, और मैं आपको देता रहूंगा पल पल की अपडेट इस फ़ोन के बारे में, साथ ही सैमसंग की जो सीरीज आ रही है या फिर और भी जो फ़ोन आएंगे उनके बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 7 Pro के बारे में, जिसमें रियल में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें सोनी का IMX586 का सेंसर लगा हुआ है जो कि 48 पिक्सल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का करिएगा वेट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।